अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नफीस आलम और आप मुझे देख रहे हैं मेरे अपने चैनल एक इंसान जॉब कर्ज पर। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। जो चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए। बेल आइकन द्वारा सबको ये फायदा होगा फ्यूचर में जो भी वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप जान सकते हैं कि हमारे पास क्या वैकेंसी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं वैकेंसी बारे में कि हमारे पास क्या वैकेंसी है। तो दोस्तों हमारे पास जो वैकेंसी है वो ऑफिस बॉय के लिए, ठीक है। पूरा डिटेल सही से समझ लीजिए और कुछ बातें हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, तब जाकर आप अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। देखिए कि आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। दुबई में एक कंपनी है, यूनिक बिल्ड कंपनी है, ठीक है। यूनिक बिल्ड ग्रुप है, कंपनी नहीं है, यूनिक बिल्ड ग्रुप है, उसकी बहुत सारी कंपनियां हैं। यूनिक बिल्ड ग्रुप है जिसमें आपको टेलीफोन इंटरव्यू लिया जाएगा, ठीक है। सिर्फ 5 ही बंदा चाहिए ऑफिस बॉय में, ज़्यादा नहीं चाहिए, 5 बंदा चाहिए। कैंडिडेट जो है इंग्लिश बोलना और हिंदी बोलना आना चाहिए। हिंदी सेकेंड लैंग्वेज है, फर्स्ट लैंग्वेज आपको इंग्लिश होना चाहिए, ठीक है। सैलरी जो आपको मिलेगी 1100 आपको मिलेगी यूएई दिरहम में, ठीक है। 1100 यूएई दिरहम में मिलेगी। 200 मिलेगा आपको खाने का, ठीक है, 200 खाने का मिलेगा। उसके बाद आपको इसमें ड्यूटी जो है 10 घंटे की ड्यूटी है प्लस ओवर टाइम, अगर ऑफिस में काम रहा ओवर टाइम हुआ तो ओवर टाइम मिलेगा। ये है इसमें जो आपका काम है, पहले काम समझ लिए। इंडियंस में जो बहुत सा प्रॉब्लम ये रहता है कि ऑफिस बॉय का काम वो समझ लेते हैं कि बहुत ज़्यादा हाईफाई काम है। हाईफाई काम नहीं है, ये नाम हाईफाई है, काम नीचे कहीं है, समझ लें। काम जो है आपका जो ऑफिस बॉय का काम होता है वो फाइल उठा के यहाँ से वहाँ रखना, सबसे पहले कि जितने भी स्टाफ है उससे पहले ऑफिस में पहुँचना, पहला चीज रहा। ऑफिस में टेबल साफ सुथरा करना, चाय वाय बना के ऑफिस के स्टाफ जो होंगे आपके सीनियर स्टाफ होंगे उसको चाय देना, उनका फाइल उठा के इधर से उधर रखना, ठीक है। उसके बाद साफ सुथरा, कहीं मुंह भी मारना पड़ेगा ऑफिस के अंदर, झाड़ू भी मारना पड़ेगा ऑफिस का, टॉयलेट है पानी भी मारने बोल देगा, क्लीन करने भी बोल देगा। अगर कोई आपका जीएम है, चाहे मैनेजर है, वो बुलाएगा तो ऑफिस बॉय कम हेयर और बोलेगा प्लीज क्लीन द टॉयलेट, प्लीज पुट अप सम वाटर ऑन द टॉयलेट, तो इस तरह से बोलेगा आपको। तो वो आपको ये सब भी काम है। तो जो इंडियन से होते हैं, जो इंडिया से है, चाहे पाकिस्तान से, चाहे मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ, जो चीज़ आप नहीं जानते उसमें हाथ में डालिए, मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसके बारे में समझिए। पहले सर्च कीजिए गूगल में ऑफिस बॉय का काम क्या होता है, ऑफिस बॉय क्या क्या काम करता है। जीरोक्स मशीन हो गया करना, एक एक ऑफिस में एक ऑफिस बॉय रहता है, दो ऑफिस बॉय रहता है, उसको 10 स्टाफ या 15 स्टाफ सब घुमाते रहते, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, इस तरह काम होता है। कभी काम नहीं रहा तो चेयर पर बैठे रहे, ठीक है, तो ऐसा होता है, ठीक है। आपको ये नहीं कि ऑफिस बॉय जो कंप्यूटर दे दिया, पेपर दे दिया, आप ऑफिस बॉय हैं। ऑफिस के अंदर रहने वाला ऑफिस बॉय नहीं होता है। ऑफिस के अंदर बहुत सारे डिजिनेशन काम करते हैं, बहुत सारे स्टाफ काम करते हैं, जिसमें सुपरवाइजर, इंचार्ज, ऑपरेटर, जीएम, मैनेजर, इस तरह का बहुत सारा स्टाफ होता है। तो उसके अंदर में एक ऑफिस भी होता है कि उन लोगों का असिस्टेंट करने के लिए जो भी जरूरत का सामान है, कुछ बाहर से नाश्ता लाना है, कुछ बाहर से सामान लाना है, कुछ पेपर है, इधर करना है उधर करना है हेल्प के लिए, तो ये होता है ऑफिस बॉय, ठीक है। तो इसमें आपको समझ लीजिए कि आपको कभी कभार बोल देगा कि बातों में पानी मार दो, झाड़ू मार दो, तो इस तरह काम एकदम सीधा भाषा में बता रहा हूँ, एकदम सरल भाषा में कि आपको समझ में आए। इसमें इंग्लिश इसलिए स्पोकिंग बोला जाता है क्योंकि आप जब जा रहे हो तो आप तुरंत उस देश की भाषा नहीं जानते हो, अरबी नहीं जानते हो, ठीक है। अगर आप वहाँ काम कर चुके, एक्सपीरियंस है, तो आपको अच्छी बात है। अगर काम नहीं कर चुके तो इंग्लिश रहेगा, तो जितने भी रहते हैं वहाँ पर काम करने, तो कोई फॉरनर्स भी काम करता है, ठीक है, कोई लोकल भी रहता है, कोई इंडियन भी रहेगा, बांग्लादेशी भी रहेगा, पाकिस्तानी भी रहेगा, तो आपका कम्युनिकेशन के लिए यानी बातचीत के लिए कि आपको उसका बात समझ में, इसलिए इंग्लिश का डिमांड करता है कि बंदा को इंग्लिश आना चाहिए। ये होता है ऑफिस बॉय का काम, ये पहला चीज़, इतना तो आपको समझ में आ गया। दूसरा जो है हाउस हेल्पर, ठीक है, हाउस हेल्पर यानी कि घर में काम करने के लिए, हाउस हेल्पर घर में काम करिए, यानी घर में खाना नहीं पकाना है, खाना पका रहा तो उसका हेल्प करना है, झाड़ू पोछा करना है, घर का गार्डन वार्डन साफ करना है, तो इस तरह का घर का काम के लिए हाउस हेल्पर चाहिए। ये भी 5 लोगों की डिमांड है, इनकी सैलरी भी सेम है। देखिए आपकी ऑफिस बॉय की सैलरी भी सेम है, इनकी सैलरी भी सेम है, क्योंकि काम आप लोग का दोनों का ही सेम ही है, यानी ये बंदा घर में काम कर रहा है, ये बंदा ऑफिस में काम कर रहा है। ऑफिस हेल्पर नहीं बोल के इसको ऑफिस बॉय बोलते हैं, ठीक है, इसलिए ऑफिस बॉय का काम इस तरह का है, ऑफिस हेल्पर का काम इस तरह का। तो जो भी बंदा इस जॉब के लिए अप्लाई करे तो ये वीडियो पूरा देख रहा होगा, तो उसको माइंड में बैठेगा, ठीक है, एकदम यही फोकस रखना है।
हाई फाई फोकस रखिएगा, वहाँ जाइएगा तो फिर एक इंसान वाले को बदनाम नहीं कर सकते। इसमें हाउस हेल्पर में भी 1100 सैलरी आपको मिलेगी दिनार में, क्या सॉरी दिरहम में, प्लस 200 खाने का मिलेगा 10 घंटा का। हाउस बॉय का जो 10 घंटा का काम नहीं, हाउस बॉय घर में रहता है सुबह से उसका शाम तक काम रहता है भैया, ठीक है, उसमें कोई 10 घंटा काम नहीं रहता हाउस हेल्पर का। प्लस ओटी, ओटी भी जो है अगर आपका काम होगा तो उसके ऊपर ओटी मिलेगा। एकोमोडेशन मिलेगा ही, ट्रांसपोर्ट है, मेडिकल इंश्योरेंस है, खाने का आपको 200-200 दिरहम दे दे रहा। पासपोर्ट जो इसमें ईसीआर पासपोर्ट चलेगा, ईसीएनआर पासपोर्ट चलेगा। जो भाई अप्लाई करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, ईमेल आईडी चल रही है, इस पर आप कॉल करें, इस पर अपना डॉक्यूमेंट्स मेल करें। मेल कॉल करने का टाइम आपका सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक है। मेल आप किसी वक्त भी कर सकते हैं, हम लोग आपको बाद में देख के रिप्लाई कर देंगे। लेकिन कॉल करने का टाइम सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक है। अब फ्राइडे को छुट्टी रहती है, बाकी दिन आप कॉल कर सकते हैं। पॉसिबल है तो हमारे ऑफिस विजिट कर लें, नहीं तो डॉक्यूमेंट सेंड करें, सिलेक्शन होगा, फिर आपको बुलाया जाएगा, आपका पासपोर्ट वगैरह जमा लिया जाएगा। ठीक है दोस्त, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लिए हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अगर नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए। इससे ये फायदा होगा कि फ्यूचर में जो वीडियो है उसको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप जान सकते हैं हमारे पास क्या वैकेंसी। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो नए फिर के साथ, तब तक के लिए आप अपने परिवार का अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।